नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बनाएंगे मिर्च का अचार। मिर्च के अचार बनाने के लिए हमने सारी सामग्री ले ली है। ये मेरा जीरा है, राई है और मिर्च और धनिया पाउडर मैं इसमें से यूज़ करूँगी, हल्दी पाउडर के साथ में। और बाकी ये अजवाइन है, करैत और ये सौंफ है, और 4-6 लहसुन को मैंने ले लिया है छिलके निकाल कर, नमक स्वाद के अनुसार, और ये मेरा रंग देने के लिए अचार का रंग। उसके बाद हम इसमें मिर्चियों से हम डंठल को अलग करेंगे। सारे डंठलों को निकाल देने के बाद ये हमारा इस तरीके से मिर्ची दिख रही है, इसको हम अलग बर्तन में निकालेंगे। अब इसके बाद हम इसमें चीरा लगाएंगे। चीरा हम दो प्रकार से लगा सकते हैं, एक बीच से काट कर और जिसमें ये दानों का, इसमें कि बीजों का अलग हो जाते हैं अचार से, इसलिए हम बीज से चीरा लगाएंगे। उसमें बीज अलग नहीं होते हैं, बीज से चीरा लगाने में उसका स्वाद बना रहता है और मिर्ची के दाने भी इधर उधर नहीं होते हैं। तो ये मैं दो तरह से आपको ये कट करके बता रही हूँ, एक बीज से और एक बीज से चीरा लगा करके। इस तरह से हम सारे मिर्चियों को बीच से चीर लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, जिससे कि हमको रोटी में हो, चावल में हो, जितनी मिर्च चाहिए हम उतनी ही लें, क्योंकि ये थोड़ी सी तीखी होती हैं। ये बीच वाली मिर्चियां हैं दोस्तों, जो एकदम पतली होती हैं वो बहुत ही तीखी होती हैं, जो मोटी होती हैं वो बिल्कुल तीखी नहीं होती हैं। तो हम ये बीच वाली मिर्चियां लेंगे, ये बिल्कुल अचार बनाने के लिए परफेक्ट हैं। इन्हें हमने सभी में चीरा लगा करके कट करके इसको अलग बाउल में हम ले लेंगे। उसके बाद हम कढ़ाई रख करके गैस में हम एक एक इंग्रेडिएंट्स मसालों को पकाएंगे। ये हमारी सारी मिर्चियाँ कट करके रेडी हो गई हैं, ये हमने कढ़ाई रख दिया है। अब हम इसमें सौंफ को और काली मिर्च को भूनेंगे। इसलिए भूनेंगे क्योंकि भूनने के बाद हम इसको कूटेंगे ताकि ये पिस जाएं। बाकियों को हम सिर्फ तेल में फ्राई करेंगे। इसको हम पहले से ही भून करके कूट करके लेंगे। ये हम कूटने के लिए इसको ले लिए और हम इसको ओखली से थोड़ा थोड़ा क्रश करेंगे। सब इनको देखिए, ये अच्छे से कूट रही हैं। काली मिर्च का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है अचार में, काली मिर्च, सौंफ। ये देखिए, ये मेरी कूट गई हैं। अब मैंने तेल एक बड़ी चम्मच में ले लिया है, इसमें थोड़ा तेल और लूँगी। उसके बाद हम इसमें जितने देर में तेल गर्म होता है, हम ये लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहें तो साबुत लहसुन भी ले सकते हैं, अचार में इसको डालने से उसका स्वाद बड़ा अच्छा आता है। अब मैंने इसमें एक चम्मच राई डाल दिया है। उसके बाद हम एक चम्मच इसमें जीरा डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। ये भून रही है। अभी हम इसमें अजवाइन डाल दिए। अजवाइन से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और अजवाइन ऐसे ही बहुत सारे गुणों से भरपूर है। ये करैत डाल दिया हमने। उसके बाद ये लहसुन को हम डाल करके पकाएंगे। हमने जो कूटी थी सौंफ और काली मिर्च, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम इसे चम्मच से अच्छी तरह से भूनेंगे। अचार बनाने के लिए कई लोग मिर्च को तेल में पूरी तरह से पका लेते हैं, हम इसे आधा ही पकाएंगे, पूरी नहीं पकाएंगे। ये अचार के रस में अच्छे से ये पिघलेंगी, उससे स्वाद बड़ा ही अच्छा आता है। और ये मिर्च मैंने डाल दी स्वाद के अनुसार। ये मेरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है पाउडर, इसलिए मैंने डाला उसको, आप चाहें तो ना भी डालें। उसके बाद फिर हम मिर्च को सब डाल दिए और उसके बाद स्वाद के अनुसार उसमें नमक डाल के हम चला लेते हैं। ये देखिए, हम इसको पूरी तरह से सभी मिर्चियों में मिला रहे हैं। ये सभी में मिल गई हैं और हम इसमें धनिया पाउडर डाल दिए। धनिया पाउडर डालने के बाद हम इसको कलछी से और अच्छे से पकाते हुए चलाएंगे। ये हमारी मिर्च का अचार बन करके तैयार है। आप इसे अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे। अलग बर्तन में निकालने के बाद आप ऊपर से इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। इसका खट्टापन से अचार का जो तीखापन होता है वो कम हो जाता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। इसमें कलर के लिए मैंने थोड़ा सा रंग डाला है, आप चाहें तो ना भी डालें। ये सरसों का तेल है जो मैंने अपने
आम के अचार से अलग किया है, उसमें कुछ सरसों के मसाले भी हैं, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें नींबू का रस नहीं डालूँगी, मेरा ये अचार के तेल में ही ये खट्टापन और इसका तीखापन कम हो जाएगा। ये मेरा मिर्च का अचार बन करके तैयार है, आप भी इसे बनाएं और इस तरीके से बनाएं, ये बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है और आराम से आप इस तरह के मिर्च के अचार में दो रोटियां आराम से खा सकते हैं। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।